हेलो गाइस, कुछ लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेटर में छूट गया था, कुछ लोग लेट आए थे, तो उन्होंने बोला था फिर से बताने। मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसको आप अगर देखते हैं सही से, अगर समझ ना आए तो फिर दोबारा देखेंगे, तो इनफैक्ट वो समझ में आ जाएगा। शॉर्ट वीडियो है, इसको समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं किसी वजह से, इसको देखेंगे, राइट। चलो, तो एक तो एक क्वेश्चन का एक दिया गया है, आपको सिंबल कैसे देना है। तो पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था चैप्टर, उसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो अभी रिसेंट में चल रहा है। आप देखेंगे इसको नॉर्मली, ध्यान दीजिए चैप्टर क्या है, इन शॉर्ट देख लीजिए, फिर बाकी क्लास में हम लोग देख ही लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दो टाइप से बताया था इस क्वेश्चन को करने, टाइप वन और टाइप टू, राइट। इस चैप्टर में मेनली क्या होता है, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल, इन्हीं तीन पे काम करना है। इन तीन से और दो बन जाता है, जैसे ग्रेटर इक्वल को मिला देंगे तो वो क्या होता है, ग्रेटर इक्वल होता है। स्मॉलर इक्वल का अगर हम मिला देते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्मॉलर एंड इक्वल, राइट। तो मेन यही तीन है, इन तीन से दो बनता है। तो यही पूरे मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको हम लोग इन इक्वालिटी भी बोलते हैं, राइट। तो इन्हीं पे ये सारे बेस्ड है। नॉर्मली हम लोग पहले देख भी चुके हैं इसको, चलो देखते हैं। जैसे टाइप वन में तो नॉर्मली आप जानते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे अगर इसको हम लोग लिखते हैं क्या लिखेंगे, ए इज स्मॉलर देन बी। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। अब देखो, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये ग्रेटर इक्वल का साइन। अब क्या लिखेंगे, ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, समझो ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से, इसका दूसरा मतलब क्या होता है, बी छोटा है ए से। अगर कोई बड़ा हुआ होगा, अब भी बात है कि अगला, अगर ए बी से बड़ा हुआ है, इसका मतलब ये निकलता है कि बी छोटा हुआ होगा तभी ए बड़ा हुआ होगा। इट्स मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी इज स्मॉलर देन ए, देन ए इज स्मॉलर देन बी, देन ए इज इक्वल टू बी। अब इक्वल वाले चीज़ को थोड़ा देखेंगे, अगर ए इज इक्वल टू बी बोल रहा है, मतलब ए और बी में कोई भी अंतर नहीं है। अगर ए किसी से बड़ा है तो बी भी बड़ा होगा, अगर ए किसी से छोटा है तो बी भी उससे छोटा कहलाएगा। फिर देखते हैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, फिर आता है आपका ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, ठीक। सेकेंड टाइप में जब इसको हम लोग करेंगे तो देखो, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, घर में बाहर में जो बड़े का स्थान होता है हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, और जो छोटे का स्थान होता है हमेशा कहाँ होता है, उनसे नीचे होता है। तो देखो सेकंड टाइप में क्या, ये बहुत आसान, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन है, इसको आप डील कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही टाइप हम लोग सीखेंगे, फिर ये दो टाइप खत्म होने के बाद हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि हम लोग एक मिनट में इनके पाँच आए हुए क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं विद इन वन मिनट, राइट। पहले हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो बड़ा कौन है, ए, तो ऊपर कौन जाएगा, ए, छोटा कौन है, बी, तो नीचे कौन आएगा, बी। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ भी ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ भी ए, जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कौन था, ए, तो ए को ऊपर लिखे और बी को कहाँ लिख दिए, नीचे लिख दिए। अब देखो ए छोटा है बी से, तो इस बार नीचे कौन जाएगा, ए नीचे जाएगा, किससे छोटा है, तो बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है तो बी ऊपर जाएगा। ए इज स्मॉलर देन बी, मतलब ए छोटा है किससे, बी से, तो ए नीचे आएगा और बी ऊपर जाएगा। इक्वल टू में दोनों सेम ही होता है, ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बड़ा है और बराबर है बी से, तो बड़ा कौन है, ए, किससे, बी से, या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो बड़ा ए है, इसका मतलब क्या, बी छोटा होगा, तो बड़ा को कहाँ लिखते हैं, ऊपर, ए ऊपर हो गया, बी कहाँ आएगा, नीचे। और देखो ए यहाँ बड़ा और बराबर है तो ऐसा इक्वल लगाते हैं, इस पैटर्न में क्या करेंगे, ए बड़ा है बी से और बराबर के लिए ऐसा लगाएंगे, मतलब इसको हम समझ के चलेंगे कि ये बड़ा और बराबर के लिए इस पैटर्न पे ये इक्वल है, मतलब ए बड़ा भी बड़ा है बी से और बराबर है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ए छोटा है बी से, ए छोटा है किससे छोटा है, तो बी से छोटा है, तो ए कहाँ आएगा, बी के नीचे आएगा। और छोटा ही नहीं है, यहाँ छोटा के साथ क्या बताया गया आपको, इक्वल भी बताया गया है, तो ए छोटा है बी से और इक्वल है, मतलब ए इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। तो कुल मिला के आप दोनों को देखो, ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ग्रेटर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी,
ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ए इज ग्रेटर देन, बड़ा है तो ऊपर, छोटा है तो नीचे, और ए बड़ा बराबर जब एक साथ आ गया तो कैसा बराबर लेंगे, ऐसा इस पैटर्न पे, इस पैटर्न पे ऐसे बराबर का साइन होता है, इस पे ऐसे हो जाएगा, राइट। तो इसी पे हमको पूरे मैथमेटिकल ऑपरेटर में काम करना। आप आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, राइट। अगर समझना है तो इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे, राइट, पॉज करके हो, नोट करके हो, आप देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। फिर अगर नहीं हो पाता है तो आप एटलीस्ट सीख के रखिए, फिर मैं क्लास में इसको डील करूँगा, राइट। 1 to 5 के लिए एक सिंबल दिया हुआ है, सिंबल को हम लोग क्रैक करना होगा। सिंबल क्रैक करने के बाद एक स्टेटमेंट आता है, एक कंक्लूजन आता है, देखते हैं क्वेश्चन पैक कैसे आता है, ये समझ के आप क्वेश्चन को डील करो। नॉर्मली मैंने क्या बताया आपको, क्या होता है, ग्रेटर होता है, स्मॉलर होता है, और क्या होता है, इक्वल होता है, यही तीन नॉर्मली होता है, इन्हीं तीन से दो और बन जाता है, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल, मेन तो यही तीन है। क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, ए हैट बी का मतलब क्या लिखा हुआ है, ए इज नॉट ग्रेटर, तो जितना भी मीन्स है, तो मीन्स के अंदर क्या लगा था, डैश, ए भी तो वेरिएबल है, ए भी चेंज हो जाएगा, उसके जगह पी क्यू आ सकता है, आर एस आ सकता है, टी यू आ सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, राइट। फिलहाल यहाँ पे देखो ए हैज बी दिया हुआ है, तो हैज का मतलब निकलेगा, क्या निकलेगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। देखो यहाँ पे हटा दो, अब पहले इसको आप करके ऐसे करना, जैसे ही 10-15 क्वेश्चन आप डील करोगे, अपने आप इतना करने की कोई नीड नहीं होगी। फिलहाल देखो कैसे करना, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो बचा क्या, स्मॉलर और इक्वल, तो इसका ए हैच बी का मतलब क्या निकल के आ गया हमारे पास, स्मॉलर और इक्वल, हैच का मतलब क्या निकल के आ गया, स्मॉलर, क्यों, क्योंकि मना कर रहा था ग्रेटर नहीं है, तो जो जो हट जाए उसके बाद जो बचा दोनों को ले लेते हैं, तो स्मॉलर इक्वल एक शर्त आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब क्या, मीन्स क्या, ए इज नीदर स्मॉलर नॉट इक्वल, अब की बार देखो क्या बोल रहा है, नीदर स्मॉलर, ना तो स्मॉलर है ना ही ये इक्वल है, तो बचा क्या, ग्रेटर, तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का साइन दे देंगे, ग्रेटर का, मतलब अब डॉलर का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर। अब जैसे ही ये हम लोग आ गए, इसकी कोई नीड आपको रह नहीं जाती, राइट। अब देखो क्या बोला, ए पोर्शन बी, ए इज नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर, अब क्या बोला, नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर, दोनों कट गया तो बचा क्या, इस बार इक्वल, तो यहाँ इसका पोर्शन का मतलब क्या निकल के आ गया, इक्वल, इसकी कोई नीड नहीं है आपको। अब क्या बोल रहा है, ए स्टार बी, मीन्स ए इज नीदर ग्रेटर, ना तो बड़ा है, नॉट इक्वल, और ना ही इक्वल है, तो बचा क्या, इस पर स्मॉलर, तो यहाँ पे किस चीज़ का साइन देंगे, स्मॉलर का। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब क्या बोला, इज नॉट स्मॉलर देन बी, सिर्फ स्मॉलर मना किया है, तो क्या बच गया, ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल को एक साथ लिखेंगे तो कैसा आ गया, ऐसा आ गया, इसकी कोई नीड है, कोई नीड नहीं है इसकी, इसको हटा दो, सिंबल पुट हो चुका है, सिंबल आपका आ चुका है, हैज का मतलब क्या आ गया, देखो सारे सिंबल आ गए हैं, ग्रेटर आ गए, स्मॉलर आ गए, ग्रेटर इक्वल आ गए, स्मॉलर इक्वल, इक्वल आ गए, पांचों के पांचों सिंबल जो होता है आपका आ चुका है। अब इस पर हमको एक क्वेश्चन कैसे दिया जाए, क्वेश्चन ये आपका दिया रहता है 1 to 5 करके सिंबल, मतलब एक से अगर 5 तक कोई क्वेश्चन आया, सारे जो सिंबल रहेंगे यहीं से पुट, इसका यहीं से वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो जैसे एक स्टेटमेंट, क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, स्टेटमेंट करके आप लोगों को मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उस पर क्या लिखा है, स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है, एन एट द रेट एम एम डॉलर पी पी हैच टी, ये दिया हुआ था। कंक्लूजन क्या दिया हुआ था, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, आप देखेंगे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल भी करवाई गई है, नहीं तो यहाँ से भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रोक्स पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टी हैच एन। सेकंड कंक्लूजन क्या दिया गया आपका, पी स्टार एन, दोनों ही पैटर्न पर हम लोग देखेंगे, दोनों ही पैटर्न पर देखेंगे कि बनेगा कैसे, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फिर आप इसको डील करेंगे, जिनका भी छूट गया है, जो प्रॉब्लम होगा क्लास में डाउट क्लियर हो। पहले सिंबल पुट करो, एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, देखो तो बाबू ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ग्रेटर, और जहाँ भी एट द रेट है और कहीं नहीं है। ए भी मैंने पहले ही बताया था, ए भी वेरिएबल है, इसके जगह पे कुछ भी आ सकता है, देखो यहाँ ए एट द रेट भी था, यहाँ क्या आ गया, एन एट द रेट एम आया था, मतलब ए बी के जगह पे क्या आ गया, एन एम, तो मतलब ए बी से नहीं है, वो वेरिएबल है, मतलब इस एट द रेट का वैल्यू क्या है।
अब देखो ये डॉलर, डॉलर का वैल्यू क्या दिया गया है, ग्रेटर, तो जहां जहां डॉलर है सब जगह क्या लगा दो, डॉलर। हैच, हैच का मतलब क्या दिया गया, देखो तो स्मॉलर एंड इक्वल, तो यहाँ हैच है तो यहाँ क्या लगा देंगे, स्मॉलर इक्वल, यहाँ भी हैच है यहाँ भी क्या लगा देंगे, स्मॉलर इक्वल। अब स्टार, स्टार का वैल्यू क्या है हम लोग, स्मॉलर, जहाँ भी स्टार है वहाँ पे क्या लगा दोगे आप, स्मॉलर। दो टाइप मतलब मैंने बताया आपको, टाइप वन टाइप टू। टाइप टू बहुत ईजी है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको ऊपर, जो छोटा होगा नीचे इक्वल, मैंने बताया आप उसको देख सकते हो। क्या बोल रहे हैं आप, इन बड़ा और बराबर है हमसे, बड़ा है और बराबर, तो क्या बोले थे इसको एक ट्री में हम लोगों को सजा के बताना है। देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको एक ट्री में बता के आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन इसमें से सही है, राइट। देखो एन बड़ा है, किससे बड़ा है, एम से, एन ग्रेटर और इक्वल एम, तो देखो सेकेंड पर एन बड़ा है एम से, तो एन कहाँ जाएगा, एम के ऊपर रहेगा। बताया मैंने कि जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर, जो छोटा रहेगा नीचे, तो एन बड़ा है एम से, तो एन कहाँ रहेगा, एम के ऊपर, बड़ा के साथ साथ इक्वल। जब भी ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल एक साथ है तो कैसा इक्वल लेते हैं हम लोग, ऐसा इस पैटर्न पे ऐसा इक्वल लेते हैं, सेकंड पैटर्न। तो इसको आप दिमाग में रख लेंगे, तो एन बड़ा है एम से और बराबर, राइट। सेकेंड देखो, अब इसमें कनेक्ट करना, एम बड़ा है पीछे, एम किससे बड़ा है, देखो यहाँ अलग लिख के देखो, एम बड़ा है पीछे, तो एम कहाँ रहेगा, पी के ऊपर ही रहेगा ना, इसका मतलब M के नीचे P आएगा, M के नीचे P का जगह है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे आप M के नीचे P को डाल दें, M बड़ा हो गया पीछे, राइट। P छोटा और बराबर है T से, ये देखो अब की क्या बोल रहे हैं, P छोटा है, किससे छोटा है, T से छोटा है, और क्या है, इक्वल, छोटा के साथ साथ इक्वल, तो इस पैटर्न पे ऐसे इक्वल लगाते हैं हम लोग। तो देखो अब की बार देखो, P से ऊपर T, P के ऊपर जगह है क्या, नहीं है जगह, चूंकि M है। अगर आप बोलते हो कि P से ऊपर T यहाँ पे रखते हैं तो चलो बड़ा तो हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन आपसे स्टेटमेंट बोला गया है कि सिर्फ T P से बड़ा है, और यहाँ लिखने से इससे T M और N दोनों से बड़ा हो गया, जो कि आपको बताया गया नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग T को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, P के ऊपर T का जगह ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन है, P को साइड करेंगे, ठीक। अब P के ऊपर जगह खाली हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T और हो गया। अब P यहाँ के लिए भी काम कर रहा है, यहाँ के लिए भी काम कर रहा है। अब कंक्लूजन देखो, इस पैटर्न का फायदा कितना अच्छा है, T छोटा है और बराबर है किससे, M से, T छोटा है किससे, M से, और क्या है, बराबर, छोटा बराबर। दूसरा क्या बोल रहा है, P छोटा है किससे, छोटा है M से, M से छोटा है मतलब N के नीचे आएगा। अब एग्जैक्ट अगर यहाँ मिल रहा है तो मेरा आंसर होगा, नहीं मिल रहा है तो आंसर नहीं होगा, राइट। तो n बड़ा है t से और बराबर है, तो देखो n के नीचे कहीं भी आपको t नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ये बिल्कुल बेसिक्स है, आगे चल के ये बताएंगे कैसे हो। n के नीचे t नहीं आया, ऐसा नहीं मिला, मतलब गलत है। n के नीचे p, क्या n के नीचे आपको p नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, कितना भी नीचे रहेगा छोटा तो छोटा ही कहलाएगा। एन के नीचे पी है मतलब एन से छोटा, मतलब सेकेंड आपको क्या कर गया, फॉर्थ, राइट। तो ये बेसिक्स है आपका, इसी टाइप पे और भी टाइप है। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड का क्लास को किसी तरीके से मिस कर दिया, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको क्लास में डील करवा दूंगा, राइट। नहीं हो पाएगा, बार बार इस वीडियो को रिपीट करेंगे फिर भी ना होगा, तो आप कम से कम 50-60% यहाँ से क्लियर कर लेना, मैं क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा, क्लास से बाहर क्लियर कर दूंगा, राइट। तो इसको एक बार रिपीट करके इन सारे वीडियोज़ को एक बार देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, सेकेंड, ओके, थैंक यू।